हाय एवरीवन, आज मैं 5 मिनट मेकअप आपको दिखाने वाली हूँ। स्किन को अच्छे तरह से प्रेप करने के बाद यहाँ पे गुड वाइब्स का रोजहिप सीरम अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा एक सीरम है, स्किन को अंदर से ग्लो प्रोवाइड करता है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप करके ये सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ NYBA का कॉन्सीलर। बहुत अच्छा कॉन्सीलर है, इसका शेड है 03। और मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैं ज़्यादातर फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं ये कॉन्सीलर ही ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। इसे अच्छे तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी और ये बहुत अच्छा कवरेज भी देता है, तो नॉर्मल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट इसे मैं सेट करने के लिए माइक्लैम का मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ये भी बहुत अच्छा एक पाउडर है, मुझे बहुत पसंद है, मेकअप को अच्छे तरह से सेट करता है। नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए अप्लाई कर रही हूँ जस्ट हार्प का ये लिप और चीक टिंट। बहुत अच्छा टिंट है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सारे ही प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा प्रोफेशनल पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैं एक ब्राउन शेड लेके अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी, फिर एक स्पूली की हेल्प से अच्छे तरह से कोम कर लूँगी मैं आईब्रोज को। और ये पैलेट भी बहुत अच्छा है, इस पैलेट से ही आज मैं अपना आई मेकअप भी क्रिएट करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं लाउड नहीं करूँगी अपना आई मेकअप, बहुत सॉफ्ट रखूँगी, इसलिए पहले ब्राउन कलर ले रही हूँ, अपने क्रीज लाइन पे अच्छे तरह से ड्रॉ कर लूँगी, फिर एक मेटेलिक कलर है उससे ही मैं अपने आई बॉल में प्लेस कर रही हूँ, तो बहुत सॉफ्ट सा एक मेकअप क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मेरा फेवरेट लिपस्टिक है, इसका शेड है 06। फिर उसी पैलेट से मैं अपने हाईलाइट दे रही हूँ, अपने चीक पॉइंट पे हाईलाइट अप्लाई कर रही हूँ। फिर मेबेलिन का मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा मस्कारा है, इससे आईलैशेस वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाते हैं, देख लीजिए। और ये है मेरा मेकअप 5 मिनट में डन। तो आप भी क्रिएट कीजिए इस तरह से मेकअप और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।